आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो यहां पे BCCI बोर्ड के तरफ से अभी कुछ देर पहले जो है नोटिस आया है 15 दिसंबर 2022 यानी आज के डेट में, यहां पे BCCI का काउंसलिंग को लेकर। तो BCCI में PCM, PCB और PCMB ग्रुप या फिर आपका यहां पे ग्रुप है CBA, PCA, MBA, MCA यानी जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 12th किए हैं या फिर बायोलॉजी और मैथ स्ट्रीम से 12th किए हैं, उन लोगों का काउंसलिंग जो है अलग अलग कोर्सेज में, जैसे फार्मेसी, मेडिकल कॉलेजेस में कुछ है, जैसे BSc नर्सिंग हो गया है ना, बी फार्मा हो गया, फिर आपका एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन को लेकर। तो इन सभी में अलग अलग सीट जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कोर्स से जो है 12th किए हैं उसके बेसिस पे। तो इसका काउंसलिंग के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, राइट। तो कैसे चॉइस फिलिंग करना था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ओके। तो यहाँ पे आपका एक नया अपडेट जारी किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो CABT भागलपुर सबौर है उसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है ऐड किया गया है, किसके लिए, PCB ग्रुप वालों के लिए। और इस कोर्स में जो PCM या PCMB या PCB ग्रुप है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट रैंक PCM, PCB, PCMB कोर्स के लिए। वही अगर आरा में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है उसमें PCMB वाले एलिजिबल हैं, जो PCM या PCMB हैं वो एलिजिबल हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों कॉलेज में आपका CBA, PCA, MCA, MBA या ये दोनों भी जो है क्या है यहाँ पे एलिजिबल हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो BCCI के 2022 का जो वास्तुकित यानी जो पहले जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उसमें ये चीज़ें संशोधित करके यानी मॉडिफाई करके ये चीज़ें बताया गया है कि 8/12/2022 से 14/12/2022 तक यानी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना था उसको देखते हुए, क्योंकि इसमें कुछ कोर्सेज ऐड किए गए हैं इसलिए यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है और रजिस्ट्रेशन है उसे फिर से ओपन किया गया है। और ये ओपन करने के बाद आप आराम से अपना जो है रजिस्ट्रेशन आज से 3 दिन बाद यानी 18 दिसंबर तक आप जो है अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका तो इस तरीके से जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है और फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो अब आपका 23 दिसंबर को आएगा और 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर एडमिशन करवा सकते हैं। और सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो अब 3 जनवरी को जारी किया जाएगा, ठीक है, और अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 4 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आप जो है सेकेंड राउंड के अनुसार करवा सकते हैं। उसके बाद अगर सीट खाली रहा तो इन फ्यूचर आपको जो है हो सकता है कि मॉपअप काउंसलिंग भी करवाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, किसी कारणवश छूट गया था, तो उनको फिर से मौका दिया गया है, ओके। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।